गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग उठ चुके हैं। कुणाल भैया और आयुष भैया वहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट मैं और भाभी नहीं कर सकते क्योंकि आज सकट है तो हमारा फास्ट है। अब देखती हूँ अगर जूस होगा तो पी लूँगी बस, या फ्रूट्स, क्योंकि माँ ने कहा है कि अरे तुम फ्रूट्स ले लेना। ओके माँ, अभी हम लोग होते हैं रेडी, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। आज है सकट का व्रत तो माँ तो घर पर हैं, तो माँ ने सारी चीज़ें बता दी कैसे कैसे मेरे को करना है। तो मैं आज कर रही हूँ सकट माता की और गणपति जी की पूजा यहाँ पे। तो माँ ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि अब घर पे नहीं है तो जितना पॉसिबल होगा वो मैं तो भगवान जी की पिक्चर भी ना नेट से निकाल ली, क्योंकि वैसे है नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। तो अब पूजा हमारी हो गई है, आज मेरा रहेगा पूरा दिन फास्ट, तो आज हम रहेंगे फ्रूट डाइट और कोकोनट वाटर। गोवा के कोकोनट वाटर से हम अपना व्रत अपना ऐसे ही चलाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। कल मैंने बॉर्डर से बहुत इंसिस्ट करा कि मुझे बैग चाहिए, तो मेरे को अब बैग दिलाने देते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना गोवा में अगर आपने फ्री मार्केट से शॉपिंग नहीं करी तो कुछ नहीं करा मुझे लगता है। और मैं ना शॉपिंग करने तो मुझे ना ऐसे फ्री मार्केट चीज़ें जो बोहो टाइप्स चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसका की कहाँ है? आ रही है चल के आ रही है की। तो मुझे ना ऐसे बोहो चीज़ें होती हैं ना वो पसंद होती हैं। तो अब क्या है कि हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट से और फिर चलते हैं। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे क्योंकि 5 बजे हमारी फ्लाइट है। और कुणाल चाबी यार, तो हम 1 बजे एटलीस्ट हमें निकलना है क्योंकि यहाँ से पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो अब हमारी लास्ट मिनट वाली शॉपिंग चल रही है। वैसे शॉपिंग और साहब ने कुछ खास कराई नहीं है हमें। अच्छा, आपको और बाकी सारी चीज़ों से फुर्सत थी? हमारी तो वाटर एक्टिविटी नहीं हो पाई सारी। यार वाटर एक्टिविटी मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरा फास्ट है ना, तो समुद्र का पानी खारा है नमका, क्योंकि कल मुंह में चला गया था ना तो बहुत सॉल्टी था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हो नहीं पाई। और सच बात ये मुझे ऐसा लगा कि 4 दिन कम है गोवा के लिए, 4 दिन गोवा के लिए ना कम है। मैंने तो कहा ही था तो हमें जो है ज्यादा दिन का करना चाहिए था, बट अभी जल्दी ही ऐसा प्लान करेंगे कि एक जो अच्छा सा बड़ा ट्रिप प्लान करके आएंगे यहाँ के लिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 4 दिन में कवर हो पाएगा प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी जगह ना जा भी नहीं पाए। एक तो गर्मी में थोड़ी सी इरिटेशन हो गई, रीज़न क्या है कि सर्दी से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़ा अलग सा टाइम है, यहाँ पर लोग ना कोऑपरेटिव इतने हैं नहीं। तो क्या हुआ, स्कूटी ली, अब वो उसने कह दिया कि 10 बजे का मतलब 10 बजे हम तो लेके जाएंगे वापस। ले जाओ भैया, अब पैदल जा रहे हैं हम। चलो जी, आपका शुभ नाम सर? सर्वेश जी, इन्होंने बहुत बढ़िया व्यक्ति लगे गोवा पुलिस में, इन्होंने हमारे लिए तुरंत व्यवस्था कराई ऑटो की, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं करने आ गई हूँ यहाँ बैग्स की शॉपिंग, और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बैग्स हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे को ये वाला बैग ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि चल जाएगा कैजुअल आउटफिट्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही क्यूट क्यूट बैग्स हैं यार यहाँ पे, देख सकते हो है ना, अच्छा कलेक्शन। भैया ये मार्केट एरिया कितना नाम है, क्या नाम है इस जगह का? ये कलंगूट, ये ओल्ड पेट्रोल पंप है। ओल्ड पेट्रोल पंप, ओल्ड पेट्रोल पंप के पास है ये दुकानें कलंगूट में, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यश टैटू हाउस है ना ये, इनके पानी की पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ सारा सामान आपको ऐसे बोहो टाइप मिल जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत बढ़िया ही सामान है। और यहाँ भैया के पास आप देख सकते हैं एक्सेसरीज हैं सारी, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं।
वो सारा कपड़ों वगैरह का सारी चीज़ें और वो उधर बैग्स वगैरह काफ़ी काफ़ी सारा आइटम्स हैं यहाँ पे, तो शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ। हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पर, अभी मैं, भैया और गौर साहब एक गाड़ी में हैं, बाकी सब लोग दूसरे कार में हैं। गौर को कहना पड़ रहा है बाय बाय, मन नहीं है, बड़ी छोटी ट्रिप थी, कभी और बनाएंगे ट्रिप बट जल्दी ही। तो अब हम लोग चलते हैं वापस अपने घर। मैंने नींद ले ली थोड़ी देर की क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। बाकी लोग कहाँ आ रहे हैं? वो पीछे रह गए। पीछे रह गए, हमने मैचिंग किया है। थैंक यू। बैग चेक इन हो चुका है हमारा, डन। अब हम लोग जा रहे हैं। क्या भैया? भैया मेरी वीडियो बना रहे हैं। ये चैन नहीं है, बहुत भूख लग रही है। हम जो है गोवा से प्रस्थान कर रहे हैं अपने जो है दिल्ली के लिए, और मैडम जो है ये जो है झूठी हंसी हंस रही हैं क्योंकि सुबह से भूखी हैं। आज व्रत है, आज व्रत जो है किसका है शिवी? सकट का, गणेश जी का, भगवान श्री गणेश जी का व्रत होता है ये। भगवान श्री गणेश जी का ही होता है ना जी, तो उनका व्रत होता है। तो आज मैडम व्रत में है, फास्ट में है, तो बहुत ज़्यादा थकी थकी हैं। और आप वैसे जो रेगुलरली व्लॉग्स देखते हैं वो ये भी जानते होंगे कि शिवी मैम जो हमारी बिना खाने के रह नहीं सकती हैं, तो बहुत बहुत कठिन काम हो रहा। हाँ जी, एसी में जाना है मैम। हाँ जी मैम। मैडम गो बा वो लिखा हुआ है सर, गो बा, गो आ नहीं होता, इट्स गो बा, गोया, गोहा, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको जो है हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, हमें उसमें क्या कोई इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए या कोई भी और आपकी एक्सपेक्टेशंस हो हम लोगों से। ये ट्रिप हमारा छोटा था मतलब, और साथ में ना ये एक सभी लोगों के साथ ये पहला ट्रिप था, तो ये मान लीजिए वार्म अप ट्रिप। हम एक नया प्लान नया ट्रिप और प्लान कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा लगेगा साथ में। हम जो है फ्लाइट में आ गए हैं और जो है शिवी ऑल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विक्टोरिया वाली ये हमारे कुणाल भाई था, विक्टोरिया जी। अमजद भाई रेडी फॉर द फ्लाइट? मैम आप भी कर दो एक बारी। कुछ कह रहे हो? चीता ही कहते हैं ये, कह रहे हैं हमें चीता कहते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं ये लोग शेर। चलो जी कोई बात नहीं, पहुंचते हैं दिल्ली, घर पहुंचते हैं, माँ की याद आ रही है और जो अपने डॉलर साहब की भी याद आ रही है। टेक ऑफ हो चुका है जी हमारा, मतलब ऑलमोस्ट होने वाला है, रनवे पे दौड़ रहा है शिवी जी। ये तो ज़्यादा ही धसकी लगा रहा है, इससे बढ़िया तो मैं ही चला लेता हूँ। हम जो ज़्यादा धसकी ना आ रही है, ब्रेकर है ना शिवी बॉस? कैसे करके लैंड करता है? टच वाइब्रेट बहुत हो रहा, बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे तो। ओरे ओए अटक गई नीचे, पहिया अटक गए इसके, ये टेक ऑफ होने में थोड़ा सा सर घूम गया है ना। अब पेट बाय बाय बीच, बाय बाय गोवा, बाय बाय बीचेस, द लैंड ऑफ बीचेस। आई कितना सुंदर लग रहा देखने के लिए। थैंक यू टू माधव भाई सोते हुए अपने, ये डर गए, थक गया माधव, ऐसा लग रहा है सपना नहीं, अब कहाँ आ गए हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब प्लेन लैंड होने ही वाला है, बाहर कुछ दिख नहीं रहा, क्या हो गया? दिक्कत कर रहा हूँ, चले बादल है क्या? कभी तो तेज उड़ा रहा, तो ब्रेक मार रहा हवा में। अब रनवे खाली नहीं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, देश तो एक साथ निकल जाएगा, फिर एकदम धुक 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 हवा लगता है भाई, डर टर्बुलेंस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, डर लगता है।
गिर जाए बिना मुझे कोई बात हो जाए, कोई जिम्मेदार होगा। नहीं नहीं शादी हुई है, पूरा परिवार साथ लेके आया हूँ। शुभ शब्द बोल रहा हूँ, दिक्कत है, समझो बात को। दुनिया भर की लाइट जला दी इसमें, यहाँ पहले व्हाइट लाइट चल रही थी, अब येलो चल रही है। भाभी को ऊपर तारे दिख गए वैसे, वो अपना व्रत खोल रही है। मैंने ऊपर स्काई में ऐसे तारे देख लिए, अभी चांद पता नहीं कब तक नजर आएगा, चांद नहीं दिखा मुझे अभी। चलते चलते ब्रेक लगा दिए, वहाँ की याद आ रही है यार। अब बाहर ठंड भी होगी, लेयरिंग करने के लिए हम जैकेट्स लाए नहीं, हम बोलते तो मैं अभी गौर साहब की जैकेट लेके बैठी हुई हूँ। गौर साहब बेचारे थोड़ी ठंडी बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो अब डूच करके लैंड होगा, उसको डर लगता है मुझे थोड़ा सा। मेरे को देख लो, तुम्हारा तो मैं ही हूँ। असल का चांद देखना है मुझे, और मैं सोच के बैठी थी कि मैं फ्लाइट से उतरूंगी तो मैं चांद देखूंगी एटलीस्ट, और मुझे चांद दिखा ही नहीं, हमारे चांद दिख गए। चंद्रमा बाहर देखेंगे, फिर उसके बाद बाहर ही कुछ डिनर। ये एक तो ये अम्मा ने ना गलत रखा है, तारों पे करवाना चाहिए था। यानी कि हमारी दादी ने पहले हमारे यहाँ हमारे चाचा की शादी हुई थी, तब जो है ये सारा सिस्टम दिन का होना शुरू हो गया था। वो हमारी दादी ने उसके बाद नहीं। फिर चंदा मामा वाला सिस्टम करो, ये माने बताया था भी, तो थोड़ा बहुत मेरे को पता है। तो ये हमको इस बात पे बुरा लग रहा है, नहीं बुरा नहीं लग रहा है ऐसा। अब वो होती माँ अम्मा तो अम्मा से कहते मैंने कहा चेंज कर दो, तो शायद वो चेंज भी कर। शुभ काम में ही होता है, क्योंकि पता नहीं यार, अम्मा ने खुद करी चेंज। चाचा चाची की वेडिंग, चाचा की चाची की शादी हुई थी ना, तब उस दिन यही पड़ा था सकट, तब ऐसा कुछ हुआ पता नहीं, पर जो भी है अम्मा यार क्या करा दिया, भूख लग रही है। सुबह सुबह ऊपर देख रही हूँ, हाय मेरी लड़की को भूख लग रही है, मैंने क्या करा दिया, कोई बात नहीं चलो कर लूंगी एडजस्ट। अब मैं बहुत तेज मन करने लगा पेस्ट्री खाने का, तो मैं अब पेस्ट्री पैक करके ले जाऊंगी जब मेरा व्रत खुल जाएगा। तो मैंने एगलेस पेस्ट्री अपनी पैक करवा ली है, तो वहाँ जाके मैं खाऊंगी पेस्ट्रीज। आ रहे हैं यार, देखो ना सबर नहीं हो रहा, दूंगी नहीं मैं कुछ भी। आयुष भैया हमें यही सी ऑफ कर रहे हैं, वो जाएंगे बात पर, सब लोग मिलेंगे जब, कब चल रहे हो नेक्स्ट ट्रिप पे जब कहो। भाभी राम राम, कब चलेंगे हम नेक्स्ट ट्रिप पे जब तो कह रहे हैं जब, देखो दोनों एक जैसे हैं, तो जल्दी मिलेंगे आप, ठीक है। तो अब भैया और हमारे, अरे यार किस्मत कर रहे जाके देखना, मेरे को बड़ी शर्म आती है। नई रिलेशन वाली बात है ना, नाते नातेदारी वाली। नहीं अपना भैया का झूला मेरा नहीं, देखो क्या कर रहे हो। मैं तो मना कर रखा है, मैंने कहा मेरे नहीं। तो अभी भैया और भाभी यहाँ से चले जाएंगे बागपत, हम जाएंगे बुलंदशहर। सुनिए कैब आने में टाइम है, और सामने तो एग्जिट ले लिया था, तो कैब आने में टाइम था, तो मैं एक स्टेप पीछे ही थी, क्योंकि गार्ड भैया ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं आपको अब जाना अलाउड नहीं। तो गौर साहब तो वहीं है, मैं और अंजू भैया, अंजू भैया हम लोग करने लगे शॉपिंग, क्योंकि मिनिसो कहीं दिख जाए और आप शॉपिंग ना करो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल और बहुत क्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे। सी तो अब हम करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। भैया क्या लोगे?
कितना है तो बोलना। तो कुणाल भैया जा रहे हैं मेट्रो से। भैया अब कब चल रहे हो? मैं सबसे ही पूछ रही हूँ नेक्स्ट ट्रिप कब? वेरी सून। जब कह दो, यही सुना था मुझे बस कि जब प्लान बना है। हमारे एट रैंडम प्लान बना था, एट रैंडम प्लान से अच्छे होते हैं। तो अब भैया भी जा रहे हैं, भैया जाएंगे मेट्रो से क्योंकि उनका रूट अलग है। चलो जी चलो, गाड़ी आ गई अपनी, मिलेंगे भैया जल्दी। भैया राम राम, नमस्ते। ध्यान रखियो अपना। बहुत अच्छा ट्रिप रहा सच में, वैसे सब लोग के साथ इकट्ठे बहुत मजा आया। फाइनली चंदा मामा नजर आ गए, प्रकट हो गए जी, और हम बीच में अभी रुके हैं बस। अभी टूटिया मेरी बहुत अंदर लगे जो मैं तभी है, तो माने का ऐसे ही कर दो, ऐसे ही जल वो कर दो आप, ठीक है। माथे से लगा, तो माँ माथे से लगा लो। हाँ, जय हो प्रभु। अपना मुंह मीठा, मैं सबसे पहले मिश्री दही खा लूँ, पर मिश्री दही खाना खाने के बाद ज्यादा। बेल लगाओ भैया, अमजद भाई दो भूल गए आप, तो फिर मैं इनमें से सोच रही हूँ एक खा लेती हूँ। एक और साथ मैं आपके पसंद दिलाई हूँ। कौन सी है? जो आप भी खा सको। चॉकलेट मिक्स फ्लेवर है कुछ वो चॉकलेट के, तो तुम्हें वो ले लेनी चाहिए थी ना, ब्लूबेरी चीज केक तुम्हें पसंद है? नहीं, ब्लूबेरी खाने का मन नहीं हो रहा था मेरा। तिरामिसू ले लेते? तिरामिसू भी नहीं, तिरामिसू नहीं खाते। नहीं खाते? मेरे को ये ज्यादा पसंद है। ये क्या, पाइनएप्पल? खा लो भाई खा लो। शिवी सुबह से अब खा रही है, शिवी ने सुबह जो है मेरे ख्याल से, अमजद भाई बहुत जरा से फ्रूट्स लिए होंगे, पपीता और वो जो थे इतने से ही लाए तुम, और उसमें मैंने खाए थे वो सही नहीं थे पपीते, बढ़िया नहीं थे। चलो भाई भगवान जी का नाम लेके, हे मेरे गणपति महाराज, बस कृपा बनाए रखें आप सभी पे, ठीक है जी। अब चले हम लोगों ने, सबने खाना खा लिया और मेरे तो भूख के मारे में ब्लॉग नहीं बना पाई। और अमजू भी हमारे जा रहे हैं, अमजू भी बाय, थकान बहुत हो रही सबको, अब तो हम जा रहे हैं घर। हाथ मिला लो, सो जाओ। ये देख लेना थैली फटना रही हो। अरे तो फट गई यार। हाँ तो ध्यान से, ध्यान से जाओ और ध्यान से पहुँच जाओ, फोन कर दूँ भैया, आराम से लेके जाइए ना। नेक्स्ट ट्रिप ना, बुलंदशहर से बाहर नहीं जा पाओगे अमजू भाई। नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट ट्रिप बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जल्दी आइए भैया, है ना, अगले महीने। और कितना खतरनाक होने वाला है, सोच भी ना पाएंगे। है पक्की बात है, जो गेस कर जाए तो 5000 रुपए मेरी तरफ से। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, क्या हम क्या करने वाले, ये बात आया मेरा 5000 रुपए से मेरी तरफ से। चलो जी, सो माधव की तरफ से 51 से पूरे भैया। भैया कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि अगर किसी का कोई गेस्ट बैठा है तो अमजू भैया से जो है पेमेंट ले लेंगे, ठीक है अमजू भाई। बढ़िया आदमी है, तो है ना, ट्रिप कभी सेट नहीं रह सकती। मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था ना, मैंने कहा अमजू भैया ऐसा है कि अगर मुझसे ट्रिप पे जा रहे हो तो जाओगे ही जाओगे, और अगर नहीं जा रहे हो तो फिर नहीं जाओगे। बट ये ऐसे कोई भी किसी अगर ट्रिप पे जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, इनके बिना नहीं जाएगा। तो मैं तो भैया इनके बिना जाती नहीं, क्योंकि बहुत हंसाते हैं और ध्यान भी रखते हैं भाई। So he's too caring and too funny. तो अभी हम चलते हैं घर, मालडी से मिलेंगे, डुल्लू से मिलेंगे। डुल्लू आज पता, मैं फ्लाइट में भी ना सोते डुल्लू को याद कर रही हूँ। आप कर रहे थे, मैं पता क्या हो, मेरे दिमाग में क्या सीन आया, जिस टाइम हमने मेरे को मेरे साथ दाढ़ी वाला प्रैंक नहीं किया था, तो मैं रो रही थी ना, तो डुल्लू मैंने बाद में जब ब्लॉग देखा ना तो ऐसा के चाट रहा था मेरे को, मैं रोती हूँ, आया था ना मेरे पास, और फिर मेरे को ना उसकी वो भी वो ध्यान आ रही थी मेरे को, मैंने कहा यार डुल्लू की मैं एकदम से आंख खुली। तुम इसी वजह से हंस रही थी, स्माइल इसी वजह से कर रही थी क्या? माधव को देखते हो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो।
कैसा रहा टूर? बैग में से निकल गए होंगे मेरे। तेरे तो बैग पैसे मतलब ऐसा करता तो खुला छोड़ दिया था क्या बैग? 200 रुपए देना। चलो देखो ध्यान ढंग से देखो। हाँ वाह खुला हुआ क्या छोड़ देता है तू? अरे नौने बालकों ने छोड़ दिया होगा। डैडी मैं रख रहा हूँ। यहीं छोड़ दो करो कोई बात नहीं। ये तो सर्दी की नहीं लग रही। पहन रखा है सब। अच्छा बड़ा बढ़िया टाइम्स लिया भैया। तो दोस्तों हम आ गए घर और मैंने ये बैग लिया। ये मैंने करी शॉपिंग वहाँ से और मैंने लिए हैं सबके लिए कुछ इस टाइप के क्लचेस जो कि बहुत सुंदर है। ये देखिए बहुत बहुत प्रिटी है। और कुछ शर्ट्स वगैरह लिए हैं और अभी घर आए तो माँ ने बताया कि घर से बायना आया है तो ये सब सामान तो माँ ये सब माँ ने बताया कि आया है ये सब सामान आया है सकट का बायना माँ के लिए। माँ पतली हो गई। उमंग आया था मैं 4 दिन वहाँ 5 दिन पतली हो गई। डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग नहीं कर रही तुम लोगों की याद में पतली हो गई। ओह माय गॉड माँ ये देखो मैं डुल्लू को। डुल्लू तुम कितने शैतान हो क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग डुल्ला? नो बेबी। दोस्तों अब हम आ गए हैं घर। ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा आपने देखा ही होगा सारे व्लॉग्स में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अब हम कल जाएंगे चाची से मिलने क्योंकि जब हम हॉस्पिटल गए थे तो हम एडमिट चाची हो रही थी तब तो उनसे मिलके हम आ गए थे। उनको रेस्ट भी चाहिए था बट उस टाइम वो उस कंडीशन में नहीं थी कि एक बात कर पाए। तो अगले दिन हमारा गोवा का ट्रिप था तो हम वहाँ निकल गए थे तो हमने आके सोचा कि अब हम मिलेंगे तो माँ मैं और गौर साहब जाएंगे सुबह चाची से मिलने। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए हम तक। ऐसे ही बस हमेशा प्यार बनाए रखें और बड़ों से मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि आशीर्वाद अपना बनाए रखें ऐसे ही। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।